आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर इस मशीन की बेल्ट टूट जाए तो बेल्ट कैसे आपने चेंज करनी है। सबसे पहले ये आपने कवर खोलना, कवर खोलने के बाद ये वाला पेच खोल लेना, ये पेच खोलना, उसके बाद ये पेच खोलना आपने, एक एक ये वाला पेच का खोल देना, एक ये वाला पेच खोलना। इससे आपकी ये प्लास्टिक का सारा ही एक्सेसरी ऊपर की बाहर आ जाएगी। ये लॉक भी आपने बाहर निकाल के यहाँ रख देना। ये ऐसे इसको खोलोगे आप, इसका ये ऐसे खुल जाएगा। इसकी प्रेस अगर बाहर निकालनी है, ये बटन नीचे करके इसकी प्रेस बाहर निकाल देनी है आपने। उसके बाद ये आपने निकाल देना इसका, और उसके बाद ये ऑरेंज वाला आपने ये निकाल देना। उसके बाद ये वाला पेच आपने थोड़ा सा ढीला करना है, इसको थोड़ा सा लूज करना आपने। जब आप लूज करोगे तो ये ऐसे ऊपर आ जाएगा उसके अंदर। और इसके बाद ये दो पेच है इसके, एक ये वाला पेच है, एक ये वाला पेच है। इसको लूज करना आपने, पेच ने पेच आपने खोलना नहीं है, हल्का सा लूज कर लेना। ये ऐसे लूज हो जाएगा, ये ऐसे लूज हो जाएगा। जब ये लूज हो जाएगा तो ये बेल्ट आपकी लूज हो जाएगी ऐसे। जैसे आपकी बेल्ट लूज हो जाएगी तो ये इस पर टक बना होगा, ये आपने इस पर लॉक खोल देना। ये वाला लॉक खोलोगे तो ये टक का निशान है यहाँ पे, जब हाथ लगा के इसको महसूस करोगे यहाँ पे टक का निशान है। जो अगर आपने बेल्ट निकालनी हो तो कैसे निकाल लेंगे, ऐसे निकालनी बेल्ट। उसके बाद इधर से अगर निकालनी हो तो ऐसे ही निकाल दोगे। अब इसको डालने का तरीका क्या है, आपका ये बड़े वाला टक है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे भी एक बड़े वाला टक है, ये देखो। ये आपने बड़े वाले टक से बड़े वाला टक मिलाना है। टक मिलाने के बाद इसको ऐसे घुमा देना आपने हाथ से। ये आपकी बेल्ट यहाँ पे ऐसे ही निकल आएगी। ऐसे इधर से आपने बेल्ट जैसे डालनी है, इसको सीधा रख के ये वाला टक का निशान आपका अंदर की तरफ रहेगा। ये आपका देखना, सबसे बड़ा आपका ये टक है बड़े वाला। उसके बाद 8 पॉइंट होंगे, 8 धंधे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद ये बड़ा टक आएगा ऐसे ही, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही ये बड़े वाला टक आएगा। इस पे ऐसे ही 8 सुराख हैं, ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सुराख के बाद ये बड़े वाला निशान आ जाएगा, बड़ा टक आ जाएगा। ऐसे ही आपने पहले फर्स्ट से शुरू करना है, ये जो धंधा है ना आपका, धंधे पे धंधा बिठाना है आपने। बिठाने के बाद ऐसे इसको घुमा देना है। कई बार आप मशीन को धक्का भी करते हो, मशीन के साथ धक्का करते हो तो बेल्ट आपकी टूट सकती है। अगर आपने बेल्ट चेंज करनी हो तो कैसे आपने बेल्ट चेंज करनी है, ऐसे अब आपने अंदर की तरफ ऐसे लॉक लगा देना इसको। जब भी आपका लॉक लग जाएगा ऐसे बेल्ट लूज रहेगी। आपने टाइट कैसे करनी है वो भी आपको बता देता हूँ। इसको यहाँ पे ऐसे आपने पुश करना, पीछे से जब पुश करोगे इसको, पुश करने के बाद आपने पेच कस से कस देना है इसको। ये दोनों पेच होंगे, एक ये वाला पेच है, एक ये वाला पेच है। इसको टाइट कर देना आपने पेच कस से। ऐसे आपने हाथ लगा के देखना है, बेल्ट आपकी टाइट हो जाएगी। अगर आपने और टाइट करनी हो तो इसको पेच थोड़ा सा और लूज करके
इसको आपने और पीछे करना है, और पीछे करके पेच कस देना है। आपका मशीन का कोई भी मॉडल हो जिसकी बेल्ट चेंज करनी है, उसका तरीका यही है बेल्ट चेंज करने का, और कोई तरीका नहीं है। ये आपने देखना, बेल्ट आपकी ऐसे टाइट हो जाएगी। जैसे आप बोलते हो कि नहीं हमारी बेल्ट टूट गई है, अगर आप धक्का करोगे तो आपकी बेल्ट टूट भी सकती है। तो बेल्ट कैसे चेंज होगी हमने आपको बता दी है। उसके बाद इसको इसको ऊपर लगा के ये पेच कस देना आपने, ऐसे इसका ये वाला कवर लगा देना, यहाँ से इस तरफ से ऐसे लगा के ये पेच कस देना आपने। ऐसे इस तरफ से ये इसको ऐसे लगाना आपने, ये ऑरेंज वाला इसके ऊपर ऐसे लगा देना। लगाने के बाद इसको भी ऐसे लगा के ये कवर हो जाएगा आपका। ये फ्रेंड्स आपकी ऐसे जो आपने चेंज करनी है बेल्ट, तो बेल्ट आपकी ऐसे चेंज होगी।